तो देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में कोरोना के अब तक 9,152 मामले सामने आ चुके हैं। जी हां, और इनमें एक्टिव केसेस की तादाद 7,987 हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से अब तक 308 लोगों की जान गई है, 857 इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ग्राफ को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसके साथ ही राहत की खबर ये भी है कि काफी ज्यादा ऐसे मामले हैं जो ठीक होकर अपने घर भी वापस लौट रहे हैं। कुल 9,152 केस, 857 ठीक हुए हैं, 308 की मौत हुई है। सात हजार 987 हो गई एक्टिव केसेस की संख्या, कुल मिलाकर 9,152 केसेस। आप समझ सकते हैं कि क्यों अब ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन में पूरे देश को बांटने की तैयारी है, यानी कि एक्टिव केसेस के हिसाब से देश में ये विभाजन किया जाएगा और ये मालूम किया जाए कि कहां पर किस तरह का लॉकडाउन लगाया जाना है। तो कोरोना का अगर सबसे ज्यादा असर कहीं है तो वो है देश के दो महानगर दिल्ली और मुंबई। दिल्ली में अब तक कोरोना के 1,154 मामले हैं। यहां कल कोरोना के 85 नए मामले सामने आए। बढ़ते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार कंटेनमेंट यानी कि सीलिंग को ज्यादा कारगर मान रही है और यही वजह है कि दिल्ली में हॉटस्पॉट 33 से बढ़कर 43 हो गए। 1,000 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों वाली दिल्ली में केजरीवाल सरकार दिमाग पर जोर डाल रही है कि लगातार बढ़ती संख्या को काबू कैसे किया जाए। तरीका सिर्फ एक है, संदिग्ध प्रभावितों का संपर्क बाकी आबादी से काटने का। यही वजह है कि दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या रविवार को 33 से बढ़ाकर 43 कर दी गई। मदनपुर खादर, अबुल फजल एनक्लेव, ईस्ट ऑफ कैलाश, खड्डा कॉलोनी, जैतपुर एक्सटेंशन, बंगाली कॉलोनी, महावीर एनक्लेव, शेरा मोहल्ला गढ़ी को भी सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिलशाद गार्डन इलाके में किया गया ऑपरेशन शील्ड का प्रयोग कामयाब रहा और अब जिस इलाके में भी नए मरीज मिलेंगे उसे सील किया जाएगा। इसके साथ ही राजधानी में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम भी होगा। हम लोगों ने दिलशाद गार्डन में एक प्रयोग करके देखा था। जब दिलशाद गार्डन में एक महिला विदेश से लौट के आई थी और उनके टच में आने वाले 6 या 7 और लोगों को कोरोना हो गया, तो उस पूरे एरिया को हमने सील कर दिया और उसको उस वहाँ पे ऑपरेशन शील्ड हम लोगों ने लागू किया। ऑरेंज जोन वो हैं जो कि हाई रिस्क जोन है, वहाँ पे भी हम सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमारे को PI इंडस्ट्रीज़ एक हैं जिन्होंने हमें 10 हाईटेक जापानीज मशीन्स दी हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स दी हैं जो एक मशीन 20,000 स्क्वायर मीटर प्रति घंटे के हिसाब से सैनिटाइजेशन कर देती है। रविवार को दिल्ली में 85 नए मामले सामने आए। रविवार को मौत के आंकड़ों में 5 का इजाफा हुआ। रविवार रात तक दिल्ली में कुल 24 लोग कोरोना के चलते दम तोड़ चुके थे। एम्स ट्रॉमा सेंटर की पुलिस चौकी का एक जवान भी संक्रमित। अब तक दिल्ली पुलिस के 3 जवानों को कोरोना संक्रमण। लेकिन ऐसे गंभीर हालात के बीच भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली के एक पब से चोरी छिपे शराब बेची जा रही थी। पुलिस ने जब यहां छापा मारा तो तय स्टॉक से हजारों लीटर ज्यादा शराब बरामद हुई। दिल्ली से पुनीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कोरोना के केसेस 1,000 के आंकड़ों पार कर गए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 2,000 छूने को है। सुबह 8 बजे जारी डेटा के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना के कुल केस 1,985 हो गए हैं। मुंबई में आंकड़ा 1,400 के करीब पहुंच चुका है। कोरोना नाम के जिस वैश्विक महामारी से देश जूझ रहा है उसका सबसे बड़ा शिकार है महाराष्ट्र। 24 घंटे में कोरोना के 221 नए मामले सामने आए तो वहीं 22 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 2,000 के करीब पहुंच चुकी है और अब तक 149 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। माया नगरी में तो कोरोना का कहर चरम पर है। अकेले मुंबई में संक्रमितों का आंकड़ा
1399 तक पहुंच चुका है। 24 घंटे में 16 जान गई है और इसके साथ मरने वालों की संख्या 97 तक पहुंच गई है। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि मुंबई देश के लिए कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुकी है। महाराष्ट्र सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है धारावी, जहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। धारावी में 24 घंटे में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं। एशिया का यह सबसे बड़ा स्लम एरिया है, जहां छींक की आवाज भी एक घर से दूसरे घर में पहुंच जाती है। कोरोना को फैलने से रोकना अपने आप में बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि स्वास्थ्य कर्मियों की तमाम टीमें धारावी में थर्मल स्क्रीनिंग के काम में लगाई गई हैं। धारावी में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। स्लम एरिया के ऊपर मंडरा रहे ड्रोन में कैमरा ही नहीं, चेतावनी देने के लिए लाउडस्पीकर भी लगाए गए हैं। कोरोना धारावी तक ही सीमित नहीं है। जो चुनौती सामने नजर आ रही है वो उससे ज्यादा बड़ी है। गुवंडी और मानखुर्द में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई का नर्क माने जाने वाले इस इलाके में संक्रमितों की संख्या 70 तक पहुंच गई है। ज्यादातर मरीज झुग्गी एरिया से आते हैं। गुवंडी एक घनी आबादी वाला स्लम पॉकेट है, जहां रहने वाले सांस की बीमारी से पीड़ित हैं। बीएमसी ने ऐसे इलाकों में फीवर कैंप लगाए हैं, ताकि कोरोना के लक्षण वाले मरीजों का पता लगाया जा सके। संक्रमित इलाकों को बांस और बैरिकेड लगाकर सील किया जा रहा है। इधर भी जितने भी आते हैं वो हम बीएमसी के थ्रू हमारे पास लिस्ट आते हैं, तो अपॉइंटमेंट पहले से ही लिया जाता है। उनका जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो पहले हमारे पास पहुंच जाते और एक स्पेसिफिक टाइम और डेट दिया जाता उनको, उसी टाइम में वो ड्राइव इन करके आते हैं। इधर पे मकसद ये है कि जैसे स्प्रेड बहुत कम हो जाए और टाइम भी बहुत कम लगे कलेक्शन के लिए। इधर आने के बाद गाड़ी रुक जाएंगे, सिर्फ खिड़की नीचे होके इमीडिएटली कलेक्शन होके देन वो पेशेंट वापस जा सकते इमीडिएटली। कोरोना संकट को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं। अब चुनौती संक्रमितों को तलाश कर उनका इलाज करने और वायरस को आगे बढ़ने से रोकने की है। मुंबई से मुस्तफा और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। आज 13 अप्रैल है, कहने को तो 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, लेकिन ये पूरे आसार हैं कि लॉकडाउन की मियाद फिर से बढ़ाई जा सकती है। उम्मीद यही की जा रही है कि पीएम मोदी आज इस बारे में स्थिति को स्पष्ट करेंगे। मौजूदा हालात इशारा तो पूरा कर रहे हैं कि 14 अप्रैल के बाद भी देश भर में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आखिरी फैसला केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को ही करना है और सब इसी इंतजार में हैं कि कोरोना संकट से निपटने के लिए मोदी अगला फैसला क्या करते हैं। लॉकडाउन के सिर्फ 2 दिन बाकी, 14 अप्रैल को लॉकडाउन का आखिरी दिन, 15 अप्रैल को शुरू होगा लॉकडाउन 2। 14 अप्रैल के बाद कोरोना से जंग की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर चुके हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कई दौर की बैठकें कर चुके हैं और इन तमाम बैठकों में करीब करीब सभी की राय यही रही है कि हालात के मद्देनजर अभी लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री के सामने संक्रमण रोकने के साथ साथ चौपट होती अर्थव्यवस्था का भी सवाल है और इसका इशारा वो चंद रोज पहले दे भी चुके हैं। ये समय हमारे संकल्प को बार बार मजबूत करने का है। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। पीएम मोदी की यह फिक्र उद्योग मंत्रालय की इस चिट्ठी में भी जाहिर हो रही है, जो गृह सचिव के नाम लिखी गई है।
ये महसूस किया जा रहा है कि लॉकडाउन बढ़ाने का अंतिम फैसला हो जाने के बाद कुछ और गतिविधियों को पूरे सुरक्षा बंदोबस्त के साथ छूट दी जानी चाहिए ताकि आर्थिक हालात में सुधार हो और लोगों के हाथ में पैसा आए। तो माना यही जा रहा है कि लॉकडाउन तो बढ़ेगा लेकिन इसके दूसरे चरण में अर्थव्यवस्था के अहम क्षेत्रों में ऑक्सीजन फूंकने की कोशिशें भी साथ साथ की जाएंगी। मसलन मजदूरों को कृषि गतिविधियों तक पहुंचाने के कुछ विशेष ट्रेन बसें चलाई जा सकती हैं। दिहाड़ी मजदूरों के लिए नए राहत पैकेज का ऐलान भी हो सकता है। जरूरी सामानों के निर्माण से जुड़े कुछ और उद्योगों को छूट दी जा सकती है। कृषि से संबंधित गतिविधियां तो अभी चल रही हैं। कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं है जिसमें लॉकडाउन के चलते हुए रुकावट हो, लेकिन आर्थिक गतिविधियां और बढ़ना चाहिए, इस पर सरकार गंभीर है। लेकिन लॉकडाउन खुले इससे पहले ये सोचना जरूरी है कि इंसान सुरक्षित रहे, उसका जीवन सुरक्षित रहे, और इस मामले में जब उपयुक्त होगा तो सरकार निर्णय करे। 14 अप्रैल के बाद के हालात और रणनीति बेहद अहम इसलिए भी हैं कि एक जरा सी चूक पिछले 14 दिनों की तपस्या पर पानी भी फेर सकती है। जाहिर है हिसाब किताब में बेहद बारीकी रखनी होगी, इसीलिए केंद्र के सभी मंत्री और जॉइंट सेक्रेटरी स्तर से ऊपर के सभी अफसर आज से अपने अपने दफ्तरों में मौजूद होंगे। लेकिन केंद्र सरकार के फैसले से पहले ही कुछ राज्य सरकारों ने अपने अपने फैसले कर लिए हैं। ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है, जबकि पंजाब में कर्फ्यू घोषित था, इसे 1 मई तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में क्या होगा और कैसे होगा, इसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे और बहुत मुमकिन है कि यह ऐलान आज ही हो जाए। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। और वही मोदी सरकार के मंत्री आज से कामकाज संभाल रहे हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ अशोक सिंघल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अशोक, आज से कामकाज तो संभाल रहे हैं लेकिन ये जारी रहेगा अगर लॉकडाउन का एक्सटेंशन होता है तब भी, यानी कि 14 अप्रैल के बाद? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से प्रधानमंत्री ने कहा था कि सोमवार से मंत्रियों को अपने दफ्तर जाके काम का शुरू कर देना चाहिए और ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर तक के अधिकारी आए जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं। और आज सुबह सुबह देखा कि अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री ट्राइबल अफेयर्स वो आए और हमने उनसे बात भी की। उन्होंने कहा कि काम का शुरू करेंगे, लॉकडाउन जारी रहेगा आगे, वो तो फैसला प्रधानमंत्री को लेना है 14 तारीख को कि क्या होना है तमाम चीज़ों को देखते हुए। लेकिन आज से अधिकतर मंत्री जो दिल्ली में मौजूद हैं उन्होंने अपना कामकाज संभालना शुरू कर दिया। दफ्तर में कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। तो और साफ तौर से कहना था कि हमारी अर्जुन मुंडा से जब मैंने बात की उनका ये कहना था तमाम चीज़ों पे विचार करने के बाद प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार इस पर फैसला लेगी लॉकडाउन को लेकर। लेकिन जहाँ तक बाकी मजदूर हैं, किसान हैं, बाकी लोगों के बारे में सोचने की बात है, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री बहुत संवेदनशील है, तमाम एस्पेक्ट को देखते हुए ही निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या किया जाना है। और जहां तक कोरोना की बात है कुछ सेक्टरों में, कुछ एरियाज में बढ़ा है, लेकिन हमारी कोशिश ये कि कोरोना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसमें कामयाब हो। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने अर्जुन मुंडा से बात की तो उन्होंने कहा कि हम सब दफ्तर आएंगे जरूरी स्टाफ के साथ, जो बड़े अधिकारी हैं वो दफ्तरों में मौजूद रहेंगे ताकि कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी फैसले लेने हैं, कोई भी आगे बात करनी है तो उनके बारे में हम लोग बैठक कर निर्णय ले सकें। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर से ये कह दिया है कि सब मंत्री दफ्तर में जा करके काम काज शुरू करें। साथ ही अशोक ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक्सटेंशन अगर होता है तो उसके बारे में ऐलान कब तक संभव है? प्रधानमंत्री इसकी घोषणा करेंगे या फिर जो अलग अलग राज्यों के सीएम हैं इस बारे में घोषणा करेंगे? और आज जो सभी मंत्री कामकाज संभाल रहे हैं क्या उनसे विचार विमर्श किया जाएगा कि किस तरह से इसे लॉकडाउन को पूरी तरीके से लागू करना है या फिर आंशिक रूप से लागू करना है, अर्थव्यवस्था के बारे में किस तरह से सोचना है, ये तमाम बातों पर चर्चा हो सकती है क्या? देखिए चीफ मिनिस्टर्स के साथ जो बैठक हुई थी प्रधानमंत्री की, उसमें अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने, ऑलमोस्ट सभी ने ये कहा था लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं उनको देखते हुए और कोई विकल्प किसी को लगता नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने कहा था जो जो आप लोगों के सुझाव हैं उन सब का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री, क्योंकि कल तक का आखिरी समय 14 तक का लॉकडाउन है, तो प्रधानमंत्री उम्मीद ये की जा रही है कि आज शाम को कभी भी लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन जहां तक कंसर्न है एग्रीकल्चर का,
और इंडस्ट्री का, तो कुछ सेक्टरों में ये कहा जा रहा है कि कुछ शर्तों के साथ सुरक्षा को देखते हुए कुछ ना कुछ रियायत दी जा सकती है, थोड़ी बहुत ढील दी जा सकती है, लेकिन जहां तक लॉकडाउन की बात है उसको बढ़ाने का पूरा मन बन चुका है। केंद्र सरकार की तरफ से भी ये पूरा इंडिकेशन है और चीफ मिनिस्टर्स ने तो कुछ, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, पंजाब हो, इन्होंने तो घोषणा कर दी है, लेकिन बाकी मुख्यमंत्री भी इसी पक्ष में हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हुए, आर्थिक विकास, आर्थिक अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कि आगे कैसे बढ़ना है, वो सब भी कंसर्न है केंद्र सरकार के, राज्यों के, तो वो चीज, उन सब चीज़ों को देखते हुए भी प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे। और जहां तक कृषि और इंडस्ट्री की बात है उनको भी मद्देनजर रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका अशोक सिंघल। हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि आज मंत्री अपना कामकाज संभाल सकते हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री ने कहा था कि अपने अपने विभागों में जाएं और कामकाज दोबारा शुरू करें। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जहां पर कोरोना के केस 500 के करीब पहुंच गए हैं। आज सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक यहां अब तक कोरोना के 483 केस सामने आए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पंजाब और उड़ीसा की तरह यूपी में लॉकडाउन बढ़ाएंगे योगी आदित्यनाथ? तो उसके विरुद्ध धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। केवल समझा सकते हैं आपको, आपको बता सकते हैं, और यहाँ पे जो लाइनिंग है आप लोग इसका अनुपालन कराएं, जिससे महामारी से भी ज्यादा खतरनाक महामारी की दहशत बनती जा रही है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कल रात जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। ग्रेटर नोएडा के क्वारंटीन सेंटर में खुदकुशी, 32 साल के शख्स ने 7वीं मंजिल से लगाई छलांग, युवक ने मौके पर ही तोड़ा दम। अलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, उसी की 7वीं मंजिल से यह शख्स कूद गया। उस दौरान वहां काफी हड़कंप मचा, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जांच की तो जांच में पता चला जिसने आत्महत्या की उसका नाम गुलजार है। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश में रविवार को कोरोना के 31 नए मामले सामने आए, इनमें से 12 मामले सिर्फ आगरा में पाए गए हैं। इसी के साथ आगरा में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। आगरा में एक साथ 32 नए केस सामने आने से हड़कंप मच गया है। हालांकि खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के बाकी हिस्सों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई आगरा की तर्ज पर लड़ने की नसीहत दी थी। कहा यह गया कि आगरा में जिस तरह संक्रमण को फैलने से रोकने की तरकीबें अपनाई गईं, वो कामयाब हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का आभार। और यह मॉडल सिर्फ आगरा के नहीं है, आगरा ने जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें जो गाइड किया, भारत सरकार ने जो गाइड किया, यहाँ पे हमारे जो WHO के प्रतिनिधि हैं, जो हमारी टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, IMA की टीम है, सबने जो हमें कहा उसको हम लोगों ने एक साथ सुनकर के टीम आगरा के रूप में डेवलप कर जितने भी जो भी सुझाव आए उसको इंक्लूड करके ये मॉडल बनाया गया। 14 अप्रैल के बाद से प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग का तौर तरीका कैसा होगा, इस पर योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सिपा सालारों के साथ मंथन किया, जिससे ये खास बातें निकली। यूपी में 15 अप्रैल से ऑनलाइन रेस्टोरेंट खुलेंगे। 15 अप्रैल से रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी सेवा शुरू होगी। 15 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू होगी। निर्माण, शिक्षा, कृषि संबंधित कामकाज पर फैसले के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन। लॉकडाउन बढ़ाने पर केंद्र सरकार के आदेश के हिसाब से फैसला। कुछ कमेटियां गठित की हैं जो 15 के बाद से किस प्रकार की हमारी कार्रवाई होनी है। लॉकडाउन पर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करेगी, एक क्योंकि यही 23 करोड़ जनता के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है। लेकिन साथ साथ हम लोग इस बात को भी तय करने जा रहे हैं कि कुछ रूटीन के कार्यों को, आवश्यक सेवाओं को, इमरजेंसी सेवाओं को कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है कि उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने कमेटी उनको दी है जिस पर वो कार्य करेंगे। बाकी राज्यों की तरह यूपी के सामने भी कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ साथ ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने की दोहरी चुनौती है, और इसकी झलक आगे होने वाले फैसलों में भी दिखाई देगी। ग्रेटर नोएडा से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। पटियाला के उस मामले की करेंगे जिसने पूरे देश की संवेदना को झकझोर दिया है। जी हां, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे कुछ निहंगों ने हमला कर एक एएसआई का हाथ काट दिया। अच्छी बात यह है कि अब करीब 7.5 घंटे के मैराथन ऑपरेशन के बाद एएसआई का हाथ
वापस जोड़ने में डॉक्टर कामयाब हो गए। 7.5 घंटे लंबा ऑपरेशन, चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों ने किया कमाल। एएसआई की कटी कलाई जोड़ी, ये तस्वीर पटियाला के सब्जी मंडी इलाके में एसआई हरजीत सिंह पर हुए हमले की है। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर सड़क पर निकली निहंगों की ये गाड़ी देखिए। कर्फ्यू पास मांगने पर देखिए कार सवार लोग किस तरह बैरिकेड तोड़कर गाड़ी भगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने जब रोकने की कोशिश की तो कार सवार हमले पर उतर आए। इसी दौरान एक निहंग ने तलवार से हमला किया जिससे एएसआई हरजीत सिंह की कलाई हाथ से अलग हो गई। जख्मी एएसआई को कटी हुई कलाई समेत तुरंत चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम ने करीब 7.5 घंटे लंबे ऑपरेशन के बाद एएसआई हरजीत सिंह की कलाई हाथ से जोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर ये जानकारी देते हुए बताया, ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पीजीआई में एसआई हरजीत सिंह की कटी हुई कलाई को ठीक करने की 7.5 घंटे लंबी सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। मैं डॉक्टरों और सहायक स्टाफ को उनके शानदार प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूँ। हरजीत सिंह के जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं। उधर इस मामले में गुरुद्वारा खिचड़ीपुर साहिब में घंटों चले कमांडो ऑपरेशन के बाद एक महिला समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों में गुरुद्वारा प्रमुख बलविंदर सिंह भी शामिल है। आरोप है कि वो गुरुद्वारे को डेरे से चलाता था। अल्टीमेटली बहुत ज्यादा सर्दे उत्ते चढ़ गए, अंदरों चिक्कां दीआं आवाज़ां आउण लगियां, शुरू हो गए तो फायर हो गए। सानू लग्या कि अंदर कोई होस्टेज फड़िया हुआ जिसे उन्होंने गोली मारती। सारी फोर्स ने अंदर रश किया, रश करने तो बाद जिन्ना साढ़े तो होया असीं उन्होंने फड़ लिया सारा। तुसीं देखा इन्हां कोले कुछ मुलाजमान दे सट्टां लगियां जिहड़ियां कि उह मैडिकल चल रहे उन्होंने असीं उह लैके जा रहे, पर फायर आर्म बंदे मुलाजमान दे नहीं लग्या। पर सानू चले वे कार्टरेज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਕਾਰਟਰੇਜ ਆ ਉਹ ਵੈਪਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। गौरतलब है कि तलवार से कलाई कटने के बाद निहंग बलबेड़ा क्षेत्र के गुरुद्वारा खिचड़ी साहिब में छिप गए थे। पुलिस अधिकारी भी पीछा करते हुए गुरुद्वारा खिचड़ी साहिब पहुंचे। पटियाला जोन के आईजी जतिंदर सिंह ने निहंगों को सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन वे गुरुद्वारे के अंदर से लाउडस्पीकर पर पुलिस को धमकियां देने लगे। उन्होंने अंदर से गोलीबारी भी की। बाद में कमांडो टीम को गुरुद्वारे के अंदर भेजा गया। गुरुद्वारे में कमांडो ऑपरेशन के दौरान डेरे के प्रमुख बलविंदर सिंह को भी गोली लगी है। गुरुद्वारे के अंदर से पुलिस ने देसी पिस्तौल, ऑटोमेटिक हथियार, गैस सिलेंडरों का जखीरा, कृपाण, पेट्रोल, भांग की 7 बोरियां और भारी मात्रा में केमिकल जैसा तरल पदार्थ बरामद किया है। हथियारों के अलावा 35 लाख रुपए की नकदी भी मिली है। मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। वहीं रांची में कोरोना पॉजिटिव के शव को दफनाने को लेकर राजधानी में कल रात जमकर हंगामा हुआ। सैकड़ों लोग शव को दफनाने के विरोध में सड़क पर उतर आए। दरअसल रविवार को रिम्स के कोविड वार्ड में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई थी। दोपहर में प्रशासन ने मरीज को दफनाने के लिए बरियतू कब्रिस्तान का रुख किया, लेकिन वहां स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। इसके बाद प्रशासन ने शव को रातू कब्रिस्तान में दफनाने का फैसला किया, लेकिन वहां भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतर आईं और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जैसे मोदी जी बोले अप टाउन लगल है, ये मोहल्ला में जैसे कोरोना हो गया तो ये मोहल्ला में कैसे प्रशासन दिया कि हम वहां जाकर के दफनाइए? काहे प्रशासन किए? प्रशासन को गलती नहीं है? हां ये तो गलत है। हम लोग सरकारी सील मरवा दीजिए।
कोई बॉडी आए तो इसमें क्या दिक्कत, हम लोग कहीं और व्यवस्था करेंगे, तो यही बात इनको बोला गया। और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग सबका बाइट लीजिएगा तो फिर तो भीड़ बढ़ेगी ही, अभी कृपया करके अभी किसी का आप लोग बाइट ना ले, सबको घर पर जाने का अनुरोध करें। यहाँ पर बंद कर दिया गया, सील कर दिया, कहीं हम लोग और व्यवस्था करेंगे बॉडी का डिस्पोजल, ठीक है। अभी तय नहीं किया गया सबके जगह, क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान है, अगर यहाँ पर ये लोग ऑब्जेक्शन करें तो हम नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कई बार क्या किया जा सकता है, ठीक है। छोटा शहर से बाहर करने के भी हम लोग देख लेंगे, लोग कह रहे हैं कि तीनों गेट सील हो गए, अभी हटेंगे, चार गेट तो सील, चार ही गेट है, सब गेट तो सील हो ही गया, आपके सामने ना सील किया गया है जी। और इसमें किसी को मतलब सर आपने कहा कि ड्रोन से यहाँ पर फोटोग्राफी हो तो रहा है जी, ड्रोन से फोटोग्राफी हो रहा है, अब एकदम स्पष्ट है, इतना आश्वासन के बाद भी अगर लोग नहीं मानेंगे तो FIR तो दर्ज। हमारे संवाददाता सत्यजीत इस वक्त रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, इतना हंगामा वहां पर लोकल्स ने किया, जाहिर तौर पर उनके मन में काफी ज्यादा भय था, लेकिन अब प्रशासन ने आखिरकार क्या फैसला लिया है? देखिए, आज सुबह लगभग जो है 3 बजे के आसपास किसी तरह से जो है स्ट्रैटेजिकली उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया गया, और बच्चा कब्रिस्तान एक है यहाँ पे हिंदपीढ़ी में, जिस मोहल्ले में मृतक रहते थे उसी के आसपास उनको दफनाया गया है। प्रशासन के मौजूदगी के बीच DC और SSP स्वयं मौजूद थे, लेकिन इस पर कोई कोर्ट वो देने के लिए तैयार नहीं। और सुबह अभी जब अप्रोच किया गया तब उन्होंने इस बात को थोड़ी देर पहले जो है लगभग 45 मिनट पहले उन्होंने कंफर्म किया है, यहाँ जो है उनका लास्ट राइट परफॉर्म किया जा चुका है। और हम लोगों ने जानबूझकर इसलिए डिस्क्लोज नहीं किया कि फिर से हंगामा ना हो। वो मृतक जो था कोरोना पॉजिटिव था, कल सुबह ही उनकी मौत हो गई थी, और उसके बाद उसके बॉडी को कॉर्प्स को दफनाने को लेकर लगातार जो है हंगामा चल रहा था। सबसे पहले ट्राई किया गया रासू रोड कब्रिस्तान जो है, तो उसके आसपास आबादी है और वहाँ पे हर तबके के लोग जो आसपास रहते हैं वो पॉपुलेशन जो है क्राउड पूरा सड़क पे निकल के आ गया, उन्होंने विरोध जताने शुरू किए कि अंदर जो है चूहे रहते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका सत्यजीत, हमारे संवाददाता जानकारी देते हैं कि किस तरह से रांची में शव को दफनाने को लेकर वहां पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। लेकिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो इस वायरस को परास्त भी कर रहे हैं। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में 4 कोरोना मरीजों को अस्पताल से जब छुट्टी दी गई तो अस्पताल कर्मियों ने तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की, ये लोग पूरी तरह से ठीक होकर अब अपने घर वापस लौट चुके हैं। इस तरह की तस्वीरें देश के अलग अलग जगहों से हमने देखी हैं पहले भी, जब कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर गए हैं, ऐसे में अस्पताल प्रशासन, वहां के डॉक्टर्स, नर्सेज सभी ने इनकी ताली बजाकर विदाई की है। कोरोना से जूझ रहे देश में कई लोग अपनी कर्तव्य निष्ठा से मिसाल कायम कर रहे हैं, ऐसी एक तस्वीर विशाखापट्टनम से आई है। यहां ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम में कमिश्नर पद पर तैनात जी श्रीजना ने 22 दिन पहले बेटे को जन्म दिया था, लेकिन सिर्फ 22 दिन बाद ही वो ड्यूटी पर लौट आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नवजात बेटे के साथ श्रीजना ड्यूटी पर तैनात है, इस कदम की उन्हें काफी सराहना मिल रही है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें श्रीजना अपने 1 माह से भी कम बेटे के साथ अपनी कुर्सी पर दिखाई दे रही हैं, कॉल्स अटेंड कर रही हैं और ड्यूटी पर वापस लौट चुकी हैं। लॉकडाउन के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो लोगों पर सवाल खड़े करती हैं। हालांकि लॉकडाउन का मजाक बनाने वाले लोगों को पुलिस अपने हिसाब से सबक सिखा रही है। नाटकों और फिल्मों में दिखने वाले यमराज कोरोना काल में सड़कों पर उतर आए हैं। करनाल पुलिस लोगों को इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है कि घर पर रहो, नहीं तो यमराज के साक्षात दर्शन न करने पड़ जाएं। कोरोना मेरा यमदूत है, प्राण हरने की उसको छूट है, मान जाओ गोरोंडा वासियों, मान जाओ, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना और 1-1 मीटर की दूरी बनाकर रखना। चित्रगुप्त जी महाराज, हमारे आदेश का पालन किया जाए। जी महाराज।
यूपी के गाजीपुर में पुलिस की टीम देशभक्ति के गीतों के साथ लोगों को संदेश देने सड़क पर उतरी तो दोनों तरफ से फूल बरसने लगे। कोरोना संक्रमण रोकने की ऐसी तमाम कोशिशों पर चंद लोग पानी फेरने में जुटे हैं। कर्नाटक के मैंगलुरु में एक शख्स ने सूटकेस में अपने दोस्त को छिपाकर सोसाइटी के अंदर लाने की कोशिश की, लेकिन सूटकेस के हिलने डुलने पर भांडा फूट गया। एमपी के छिंदवाड़ा में एक व्यापारी अपनी महिला मित्र को कार में लेकर घूम रहा था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो रफ्तार बढ़ा ली, लेकिन थोड़ी ही दूर पर कार पलट गई। पुलिस के मुताबिक युवक शराब के नशे में था। वहां जाकर उनको चेक किया गया तो उनकी गाड़ी तब तक पलट चुकी थी, मदरा के नशे में थे और उनके साथ कोई महिला मित्र थी शायद, उसको अस्पताल भर्ती किया जा चुका था और उनका उल्लंघन, चूंकि लॉकडाउन चला उसका उल्लंघन एंड ड्रंकिंग ड्राइविंग और रैश ड्राइविंग का केस बनाया गया, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के इस सब्जी मंडी में पुलिस की टीम पहुंची तो लोगों की बेपरवाही देखकर दंग रह गई। आखिरकार पुलिस को मजबूरन वही तरीका अपनाना पड़ा जो लोगों को जल्द और आसानी से समझ आता है। आज तक तमिलनाडु में लॉकडाउन के बीच एक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए साइकिल पर 135 किलोमीटर का सफर तय किया। उधर दिल्ली से 1400 किलोमीटर रिक्शा चलाकर 14 लोग कटिहार पहुंचे। पैंसठ साल के बुजुर्ग अरिवाजगंज की कैंसर पीड़ित पत्नी दर्द से तड़प रही थी। उसे कीमोथेरेपी की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल 130 किलोमीटर दूर और लॉकडाउन की वजह से यहां तक पहुंचने का कोई साधन नहीं। अरिवाजगंज से जब पत्नी की पीड़ा नहीं देखी गई तो साइकिल उठाई, पीछे पत्नी मंजुला को बिठाया, वो बेहोश होकर गिर न पड़े इसलिए कपड़े की मदद से अपने साथ बांधा और निकल पड़े अस्पताल। कोरोना की दहशत, लॉकडाउन की पाबंदी और इंसान की बेबसी के आलम में तमिलनाडु की यह घटना जज्बातों को झिंझोड़ कर रख देने वाली है। पेशे से मजदूर अरिवाजगंज के पास इन दिनों न काम है न पैसा, लेकिन हौसला बेशुमार। तमिलनाडु के कुंभकोना जिले में रहने वाले अरिवाजगंज ने पुडुचेरी के अस्पताल तक करीब 130 किलोमीटर पत्नी को लेकर साइकिल चलाई। रास्ते में करीब 2 घंटे रुककर वो 5.5 घंटे में अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। हालांकि पुडुचेरी के कैंसर अस्पताल का ओपीडी कोरोना के चलते बंद था, लेकिन डॉक्टरों को जब हकीकत पता चली तो उन्होंने मंजुला को कीमोथेरेपी दी और वापस लौटने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम भी करवाया। लॉकडाउन के बीच ऐसा ही हैरत अंगेज सफर इन 14 लोगों ने भी किया। लॉकडाउन के ऐलान के बाद 14 रिक्शा चालक दिल्ली से अपने रिक्शों पर सवार होकर निकले थे। रास्ते में जाने क्या क्या दुश्वारियां झेलकर 1400 किलोमीटर का सफर करके 12 दिन बाद ये लोग अपने गृह जिले कटिहार पहुंचे। जान इस तरह दांव पर क्यों लगानी पड़ी, इसका जवाब भी इन्हीं से सुनिए। सर, हम लोग 3 दिन तक भूखे रह गए। एक दिन तो बिल्कुल भूखा रहे कि चाय तक हम लोग को नहीं मिला। उसके बाद जो हम लोग सोचे भाई यहाँ तो भूखा मर जाएंगे। केजरीवाल ने कुछ भेजता था, हम लोग पर नहीं आ पाते थे खाना, वहीं तक बाहर से ख़त्म हो जाता था और हम लोग के पास में पैसे उसे एक भी नहीं था। लास्ट टाइम हम लोग मजबूरन वहाँ से रिक्शा ले गए, जब चले दिल्ली बॉर्डर जब क्रॉस हुए तो वहाँ का पुलिस वाले ने बोला कि तुम लोग भागो, जहाँ का वहाँ घर जाओ, नहीं तो यहाँ से भूखा मर जाओगे।
फिलहाल इन सभी 14 रिक्शा चालकों को कटिहार के बाहर ही क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। कोरोना से जो होगा सो होगा, लेकिन भूख प्यास की आगोश में अनजाने रास्तों का ये लंबा और खौफनाक सफर इन्हें ताउम्र याद रहेगा। चेन्नई से अक्षय नाथ और कटिहार से विपुल राहुल के साथ आज तक ब्यूरो।